हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग आज के सेशन में सिगमंड फ्रायड का थियरी पढ़ेंगे। उनकी थियरी का नाम था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, और यहाँ से आईओपी एक नंबर मिलेगा। ठीक है, ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, और ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है। ये शॉर्ट्स नोट्स है आप लोग के लिए, मैं रेडी की हूँ, और प्लस एमसीक्यू है। ठीक है, क्वेश्चंस भी है, ऐसा नहीं कि बस थियरी है। थियरी के साथ साथ आपको एमसीक्यू मिलेगा। अगर आपका थियरी कंसेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से दे सकते हैं, और ये शॉर्ट्स नोट्स है, बहुत ही यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, पूछा है सिग्मंड फ्राइड, सिग्मंड फ्राइड का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। सिग्मंड फ्राइड की थियरी का नाम क्या? सबसे पहले तो आप बताएंगे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, प्रतिपादन इन्होंने क्या, सिग्मंड फ्राइड थे। ठीक है, यहाँ पे जन्म कब हुआ था तो आप बताएंगे 6 मई 1856 में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी, ये आपका डीटी प्रेस भी केवीएस नीट में पूछा जाता है। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 23 सितंबर 1940 में। ठीक है, ये कहाँ के निवासी थे तो ऑस्ट्रिया के निवासी थे, जहाँ पे एक बयान में था वहां पे। ठीक है, ये आपके सिगमंड फ्राइड से रिलेटेड थे। उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनकी थियरी का नाम क्या था। ठीक है, उनकी थियरी का नाम मनोविश्लेषणात्मक था। उनका जन्म कब हुआ था, 6 मई 1856 में हुआ था, और उनकी मृत्यु 23 सितंबर 1940 को हुआ था। ये कहाँ के निवासी थे, रहने वाले थे, निवास में रहने वाले थे, ये ऑस्ट्रिया के। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। इन्होंने मन की तीन प्रकार बताए। ठीक है, मन की कितने, तीन प्रकार बताए। पहला आपका चेतन मन, जिन्हें कॉन्शियस माइंड बोला जाता है, यह मन वर्तमान के विचारों से संबंधित। कॉन्शियस माइंड क्या होता है, जो वर्तमान में हो रहे उनसे संबंधित इसमें सोचे। अब सेकेंड है अर्ध चेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड, इसमें हम तुरंत ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब सब कॉन्शियस माइंड में तुरंत ज्ञान नहीं होता, लेकिन कुछ टाइम देखकर यदि याद किया जाए तो ये याद हो जाए। ठीक है, सब कॉन्शियस माइंड, कोई चीज है आपने सोचा है, याद किया है, लेकिन याद नहीं आ रहा है, पढ़ा लिखा है, कोई आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, चाहे कोई थियरी पढ़ लिया नहीं, लेकिन उसमें जो आप कोर्स देते हैं, ज्यादा सोचते हैं, तो वो हमें क्या होता है, याद होने लगता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अर्ध चेतन मन। ठीक, उसके बाद थर्ड है अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस। अर्ध अचेतन मन को क्या है, ये आपका तीसरा आता है, इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड। इसमें भी बातें होती है जो हम भूल चुके हैं। ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड और आपका सब कॉन्शियस है। ठीक है, अनकॉन्शियस मतलब कि जो हम भूल चुके हैं, और हमारी याद करने पर भी याद नहीं होती। ठीक है, ये देखिए, इसमें तो आपका जो होता है, आपका कॉन्शियस माइंड, ये आपका कंटिन्यू चल रहा है ना, वर्तमान में जो जो आप कार्य कर रहे हैं उनको आप याद कर रहे हैं, लेकिन इसमें देखिए सब कॉन्शियस में क्या है, इसमें कुछ टाइम के बाद याद रहता है ना, जैसे हम इसका कुछ टाइमिंग दिया जाता है, 15 सेकेंड के बाद याद आता है, 15 सेकेंड के बाद, और इसमें अनकॉन्शियस में पूरी तरह से इसमें भूल चुके रहते हैं, और याद करने पर ये याद नहीं आता है, जैसे अचेतन मन का। जब फ्रायड व्यक्ति को तीन भागों में बांटा, ठीक है, फ्रायड ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा, तीन भागों में। चलिए आगे देखते हैं, जिन्हें हम ईद के नाम से आते हैं। उसने व्यक्ति की शारीरिक और मूल अवस्था आवश्यकताएं, जैसे भूख प्यास आदि को सेटिस्फाई करना होता है। यह सामाजिक आवश्यकता और नैतिक मूल्यों की चिंता किए बिना इच्छाओं की पूर्ति पर बल देता है। ठीक है, ईद जो होता है आपका, भूख है प्यास है सेटिस्फाई करने के लिए, उनको क्या करता है, मूल्यों पर ये चिंता करने के लिए क्या करता है, आपको बल देता है कि आपको ऐसा कर। उसके बाद सेकेंड है ईगो, जिसे अहम कहते हैं। ये आवश्यकता या इच्छा की संतुष्टि को योजना का निर्माण करता है और उसका इम्प्लीमेशन करता है, यह परिणाम चिंता करता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है सुपर ईगो, परम आम। यह समाज द्वारा नैतिक सूत्रों के, देखिए जो सुपर ईगो है ना, सबसे लास्ट वाला होता है और ये सबसे अच्छा रहता है। ठीक है, ईद और ईगो के बीच में कौन बैलेंस बना के रखता है, सुपर ईगो। ठीक है, यह समाज द्वारा नैतिक सूत्रों के अकॉर्डिंग काम करता है। यह जिस व्यक्ति के अंदर सुपर ईगो ज्यादा होगी, वो बुरे कामों से उतना ही दूर होगा। ठीक है, जिसके अंदर जैसे सुपर ईगो ज्यादा रहेगा तो क्या करेगा, बुरा काम नहीं करेगा, जैसे चोरी नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, फ्राइड के, ठीक है, किसी को मर्डर नहीं करेगा, हत्या नहीं करेगा। तो ये किसके, ये भी पूछा जाता है ईद और ईगो के बीच कौन बैलेंस बनाता है, तो आप बताएंगे सुपर ईगो। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया आपका कि मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। इनके, इन्हें क्या कहा जाता है, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। इसे फ्रायड ने 5 अवस्थाओं में बांटा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप लोग बताएंगे सिगमंड फ्रायड ने, और इसमें आपके 5 अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं 5 अवस्थाएं कौन कौन है। देखिए, ये इनकी 5 अवस्था है, जिन्हें मौखिक अवस्था कहते हैं, या हिंदी में इसको ओरल स्टेज बोलते हैं। ये कब से होता है, जन्म से लेकर 1 वर्ष होता है, या जन्म, यहाँ पे नहीं, जन्म से लेकर 2 वर्ष होता है, सॉरी, यहाँ से मैं एक मिनट
जन्म से लेके 2 वर्ष हो, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकेंड दिया गया बुद्धावस्था, एनल से 2 से लेके 3 वर्ष की अवस्था होती है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे थर्ड दिया गया लैंगिक अवस्था, फाइलिक स्टेज कहा जाता है, जो 4 से लेके 5 वर्ष की अवस्था होती है। फोर्थ दिया गया सुसुप्त अवस्था, जिसे हम लैटेंसी स्टेज कहते हैं, 6 से लेके 12 वर्ष होता है। और लास्ट होता है आपका जननी अवस्था, जेंटल स्टेज, जिसे 12 से लेके आपका 20 वर्ष की अवस्था होती है, ठीक है। इन्होंने 5 स्टेजेस बताई थी मनोलैंगिक की। उसके बाद आगे चलते हैं, सिगमंड फ्राइड ने 2 मूल प्रवृत्तियां दी थी। सिगमंड फ्राइड ने क्या दिया था, दो, एक आपका जीवन, दूसरा मृत्यु। सोमो जिसे ऑडिपस या एक्ट्रा, सोमो में कौन आता है आपका, ऑडिपस और इलेक्ट्रा, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ऑडिपस क्या होता है, इलेक्ट्रा ग्रंथि क्या होते हैं। तो देखिए सिगमंड फ्राइड के अनुसार लड़कों में जो होता है ना, ऑडिपस ग्रंथि पाई जाती है। लड़कों में क्या पाया जाता है, अधिक ऑडिपस ग्रंथि पाई जाती है। जो लड़का जो होता है ना, मम्मी से ज्यादा अट्रैक्ट होता है, और लड़कियां जो होती है ना, पापा की तरह अट्रैक्ट होती है, क्योंकि उनमें अंदर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, इलेक्ट्रा, ठीक है। ये हम सब देखेंगे। देखिए लड़कों में आपकी ऑडिपस ग्रंथि पाई जाती है, जिसके कारण वो अपनी माँ से अधिक प्रेम करेगा, ठीक है। और लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है, के कारण वो अपने पिता से अधिक प्रेम करता है, ठीक है। इस तरह से ओ लड़का, ओ बोला था ना, ओ लड़का, तो अब उसमें देखिए ओ लड़का, ए लड़की, ई लड़की, तो लड़की के लिए क्या करें, ई से इलेक्ट्रा याद करेंगे, ओ लड़का के लिए ऑडिपस, ठीक। अब यहाँ पे देखिए लिबियो, लिबियो से भी पूछा जाता है, लिबिडो का मतलब क्या होता है, ठीक है। लिबिडो का मतलब होता है प्रेम स्नेह एवं काम प्रगति को लिबिडो कहते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, जैसे प्रेम स्नेह आपका काम होता है, उनमें प्रगति होती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, लिबिडो कहते हैं। यह एक स्वाभाविक प्रकृति होती है, ठीक है, ये नेचुरल होता है। और यदि इस प्रवृत्ति का दमन किया जाता है, तो व्यक्ति को समाहित हो जाता है सहसो कामुकता, ठीक है। सहसो कामुकता की बात पर सिगमंड फ्राइड ने उसे शिशु युग या युग के माध्यम से मतभेद हो जाता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम कर लेते हैं कुछ, यहाँ पे 10 क्वेश्चन है फटाफट, ठीक। यहाँ से मैं पेन चेंज करूँ अपना, ठीक है। 4 ऑप्शन है, फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का अतिरिक्त अतिकीकरण डैश में होता है। ऑप्शन ए दे इदम, ऑप्शन बी दे अहम, ऑप्शन सी दे परा अहम, ऑप्शन डी दे परिस्थितियों, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग का फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा, पर अहम, ठीक है, जिसे हम सुपर ईगो के नाम से जानते, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पे। सेकेंड क्वेश्चन, फ्राइड के अनुसार मूल प्रवृत्तियों के 2 प्रकार है, कौन कौन से आपको पता होगा, कौन कौन से। ऑप्शन ए दिया गया आपका आक्रामकता एंड चिंता बिल्कुल नहीं, ऑप्शन बी अहम परम अहम, ऑप्शन सी दिया गया ईरोज एंड यहाँ पे थेनेटास, ऑप्शन डी दिया गया एड एंड अहम। राइट आंसर क्या, अहम और परम, बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन में से। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया, तो ये अभी आपको मैं बताई हूँ। ऑप्शन ए दिया कमेनियस, ऑप्शन बी दिया हॉल, ऑप्शन सी दिया हालिंगत हालिंगवर्थ, ऑप्शन दिया फ्रायड सिगमंड फ्रायड, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, डी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब, ईदम का ईगो पर हावी होने की स्थिति में व्यक्तित्व होता है, बताइए किस तरह से वो व्यक्तित्व होता है। ऑप्शन ए दिया अनैतिक एवं असामाजिक, ऑप्शन बी दिया दबाव, ऑप्शन सी दिया गया दुश्चिंता, ऑप्शन डी दिया कुंठित। क्या पूछा गया, ईदम पर किस, कौन हावी हो जाता है ईदम पर, ईगो, ईदम का ईगो पर, ठीक है, ईदम किस पर, ईगो पर हावी हो जाता है होने का स्थिति, ठीक है। तो ये आपका अनैतिक असामाजिक व्यवहार करना शुरू कर देता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, अलमारी से अमूल किताब नहीं पाता है और थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाता है, फिर याद आती है कि उस किताब को हमने अपने दोस्त को दिया है, ठीक है, यह अवस्था कौन से, ठीक है, उसको याद। ऑप्शन ए दिया चेतन मन, ऑप्शन बी दिया अचेतन मन, ऑप्शन सी दिया अर्ध चेतन मन, ऑप्शन डी दिया इधर। अभी आपको मैं बताई हूँ कि जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका सब कॉन्शियसनेस बोला जाता है, उसमें क्या करता है कि उस कुछ टाइम याद नहीं आता है, लेकिन उसको जब हम याद करते हैं तो याद हो जाती है, वो आपका होता है अर्ध चेतन मन, ठीक है, अर्ध चेतन मन। राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, शारीरिक योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी, ठीक है, किसके लिए पूछा गया, शारीरिक योग्यता वाले व्यक्ति के लिए। तो 4 ऑप्शन दिए गए,
ऑप्शन ए रहे तदात्म्यकरण, ऑप्शन बी रहे विवेकीकरण, ऑप्शन सी रहे अतिकल्पना, ऑप्शन डी रहे इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 6 का, तो राइट आंसर क्या होगा, अतिकल्पना। ठीक है, ये क्या कर संतोषजनक होगी अतिकल्पना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है, प्रत्यक्ष। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, चार ऑप्शन देंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। ऑप्शन ए दिया प्रक्षेप, ऑप्शन बी दिया दमन, ऑप्शन सी दिया प्रतिगमन, ऑप्शन डी दिया लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। तो राइट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। विकास की अवस्था और तौर पर 1 से 3 वर्ष की आयु में होती है, इनको विकसित होने लगता है और ईद कुछ हद तक नियंत्रित होती है। ठीक है, ईद क्या होता है, कुछ हद तक नियंत्रित हो जाता है। ऑप्शन ए दे मौखिक, ऑप्शन बी दे फॉलिक, ऑप्शन सी दिया विलंब, ऑप्शन डी दिया गुद्दा। ये कौन सा स्टेज होता है क्वेश्चन में, अगर मैं बात करूं तो ये आपका गुद्दा होता है। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन में 8 का। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। कुछ लोग कहते हैं कि जब बच्चे पर गुस्सा आता है तो वे खेलते हैं जब तक कि बेहतर महसूस ना करें। इस व्यवहार का प्रतिनिधित्व तो कौन सा रक्षा तंत्र करता है। ऑप्शन ए दे प्रक्षेपण, ठीक है, ऑप्शन बी दे विस्थापन, ऑप्शन सी दे प्रतिक्रिया गठन, ऑप्शन डी दिया गया उच्च बनने की क्रिया। ठीक है, जब बच्चे पर गुस्सा आता है तो खेलते हैं जबकि वो बेहतर महसूस ना करें, तो ये आपका विस्थापन कहता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 5 वर्ष के बालक में अपने पिता और माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है, तो बालक के व्यापार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायर द्वारा क्या नाम दिया गया। ठीक है, पिता से किसमें, अपने माता में हो रहा है। ठीक है, बालक है, लड़का है, तो किसमें हो रहा है, माता में। ऑप्शन ए परम परमाहम, ऑप्शन बी इलेक्ट्रा कंपोज, ऑप्शन बी दिया गया आपका ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी दिया नर्सिज्म। ये सभी को पता है, सी इज द करेक्ट, ओ लड़का, ओ लड़का ओ। ठीक है, राइट आंसर क्या। आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये वीडियो अगर आप देखते हैं तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।